नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन में, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन इशू के बारे में, एक बहुत ही कॉमन फैक्टर के बारे में जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, स्पेशली वैसे लोग जिन्होंने नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, साथ ही साथ वैसे लोग जिन्होंने अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल या फिर रीइशू के लिए अप्लाई किया है। और दोस्तों, यहां पे जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आपके एप्लीकेशन का, अपॉइंटमेंट का, पुलिस वेरिफिकेशन का, उसके बाद अगर आपका स्टेटस शो करता है योर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, हिंदी में अगर इसकी बात करें तो आपका जो आवेदन है वो फिलहाल अभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंदर अभी विचाराधीन है। जब ये स्टेटस शो करता है तो मन में बहुत सारी बातें आती हैं, मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग का एक्सपीरियंस पहली बार होता है पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो ऐसे में मन में बहुत तरह के सवाल आने जो है वो शुरू हो जाते हैं कि कहीं हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ इशू तो नहीं आ गया, कहीं हमारा पुलिस वेरिफिकेशन तो फेल नहीं हो गया, या फिर हमारा अपॉइंटमेंट सही तरीके से तो नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, बहुत सारे विचार जो हैं वो मन में आने लगते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एग्जैक्ट एक्चुअल में कि इसका एक्चुअल में मीनिंग होता क्या है, जो अंडर रिव्यू है और योर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू एट रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, एक्चुअल में किन कारणों से ये शो होता है, आपका जो ये स्टेटस है एक्चुअल में उसका रीज़न क्या है, और कौन कौन से एक्टर जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका स्टेटस ये शो करता है तो आपको चिंता करना है नहीं करना है, या फिर आपको अपनी ओर से कौन सा स्टेप उठाना है, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, जैसे ही स्टेटस आ गया अंडर रिव्यू, मतलब ये कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर सब कुछ बिल्कुल स्मूदली होता तो जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होता तो उसके बाद सीधे जो है आपको पासपोर्ट का जो डिलीवरी है डिस्पैच का मैसेज आ जाता, लेकिन उन्हीं के बीच में अगर अंडर रिव्यू, मतलब कि मैटर थोड़ा सा लटक गया, थोड़ा सा डिले हो गया। अब इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, हम इसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहला और मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो होता है आपका 10th का मार्कशीट। वैसे सभी लोग जिन्होंने ECNR, ठीक है, मतलब कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड जो कैटेगरी में आते हैं, उनको जो है अपने एप्लीकेशन के साथ साथ जो भी उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड होता है, अलॉन्ग दैट आपको अपने 10th का मार्कशीट जो है वो वहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में शो करना होता है ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है। और वैसे लोग जो कि 10th पास नहीं है या फिर उनको ज़रूरत नहीं है ECNR पासपोर्ट का, तो वो जो है अपना ECR कैटेगरी में बनाते हैं, जहाँ पे उनको अपना 10वीं की मार्कशीट नहीं देनी होती है। अब चूंकि दोस्तों एज पर द पासपोर्ट रूल आपका ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, वो लोग आँख बंद करके किसी भी डॉक्यूमेंट में भरोसा नहीं करते हैं। आपका आधार वेरीफाई करते हैं आपके अंगूठे से, और पैन कार्ड तो नॉर्मली पैन नंबर से वो वेरीफाई हो जाता है, और आपके एड्रेस को वेरीफाई करते हैं पुलिस वेरीफिकेशन के थ्रू, लेकिन साथ में आपने जो एडिशनली जो अपना 10वीं का मार्कशीट दिया है इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके उस पर्टिकुलर मार्कशीट को भेजा जाता है बाय स्पीड पोस्ट आपका जो भी रिस्पेक्टेड जो आपका बोर्ड ऑफिस है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मली हम सभी स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, लाइक बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, MP बोर्ड, हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है, या फिर अगर आप CBSE से पास आउट हुए हैं या फिर ICSE से पास आउट हुए हैं, आपका हर एक सर्टिफिकेट का कोई ना कोई एक बोर्ड होगा। तो यहाँ पे जो आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है वो आपके उस 10th की मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए वो भेजती है आपके बोर्ड ऑफिस को। अब चूंकि चीज़ें यहीं से डिले होना शुरू हो जाती है, इसमें जो है बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपका जो है, और ये सारा कुछ जो है फिजिकली मूवमेंट होता है डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है। तो ऐसे में जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन वहाँ पे हो जाएगा तो उसके 2-3 दिनों बाद जो है आपके उस मार्कशीट की एक फोटोकॉपी को अटेस्टेड करने के लिए भेजा जाएगा आपके बोर्ड ऑफिस में। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफिस कितना टाइम लेता है, कितना नहीं लेता है, इसके लिए कोई भी गाइडलाइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे उनके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो वो इकट्ठा एक बार में वो रोल नंबर वाइज अटेस्टेड करते हैं, वो 1x1 नहीं करते हैं, जिसमें जो है आपको मिनिमम से मिनिमम हफ्ते 10 दिन का समय लग जाता है। तो ये जो हफ्ते 10 दिन के बीच का जो गैप है, इस दौरान RPO के पास आपके 10th के मार्कशीट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इधर आपका पासपोर्ट जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल है या फिर फर्जी है, इसकी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। तो इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम वो आपका जो स्टेटस शो करेगा वो यही करेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू है, विचाराधीन है,
कब तक, जब तक कि आपका जो बोर्ड ऑफिस है वो आपके मार्कशीट को अटेस्टेड करके वापस आरपीओ को नहीं भेज देता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोलता हूँ, अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल टूरिज्म पर्पज़ के लिए पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो आप हमेशा ECR पासपोर्ट को ही प्रीफर करें। फ़ायदा क्या होगा कि आपका ये जो एडिशनली जो ये वेरिफिकेशन का जो चक्कर है, जो डिले है, इससे आप मुक्त हो पाएंगे। यहाँ पे आपकी मार्कशीट तो है ही नहीं, तो उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा। नॉर्मली आपका अपॉइंटमेंट के बाद जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत ही कॉमन लोग, मैं इसको गलती तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको दुबई, सऊदी अरब, कतर, जो भी ये गल्फ कंट्रीज़ है वहाँ जाना होता है, और उसके लिए ये जो है ESNR पासपोर्ट जो है थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग एक डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे जो सेकंड मोस्ट ये जो कह सकते हैं कि फैक्टर यहाँ पे जो होता है, वैसे लोग जो कि रेंट पे रहते हैं, ठीक है, जाने अनजाने में वो लोग अपने रेंट के एड्रेस को ही परमानेंट और साथ साथ अपना करेंट एड्रेस भी उस एप्लीकेशन में कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि अब उनके मार्क्स, उनका जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सॉरी वोटर आईडी कार्ड है, उन सभी पे उन्होंने अपने जो है अपना रेंट वाले एड्रेस को ही मेंशन करा रखा है। अब वो ये सोचते हैं कि मेरे आधार कार्ड पे मेरा ये एड्रेस हो गया तो ये मेरा परमानेंट हो गया। ये बहुत ही आप एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इसी को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जो आवेदन करता है, जो एप्लीकेंट है, वो इंडियन है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है पुलिस वेरिफिकेशन में। अगर आपका जो एड्रेस है वो रेंट वाला एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको अपना एक ओरिजिनल, अपना एक परमानेंट एड्रेस आपको शो करना होगा, जहाँ से आप एक्चुअल में बिलोंग करते हैं। आप अपना करेंट के साथ साथ परमानेंट एड्रेस कभी भी रेंट वाले एड्रेस को नहीं दे सकते हैं, जिस कारण जो है उनका भी एप्लीकेशन को जो है अंडर रिव्यू कर दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है फिर LIU की जांच की जाती है, ये पता करने के लिए कि इस व्यक्ति का सिटीजनशिप क्या है, इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, कहीं कोई रोहिंग्या तो नहीं है। इसके साथ साथ गाइज अगर आपका जो ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर आपके आधार कार्ड पे अगर आपका पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं होता है, तो भी जो है बाद में जब उसको प्रोसेसिंग की जाती है, जब वो डेटाबेस में जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे वो पेंडिंग हो जाता है। ऐसे में आपको फिर से दोबारा अपना एक पासपोर्ट वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जमा करना होता है, और इन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम आपका जो एप्लीकेशन होगा वो अंडर रिव्यू एट RPO हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं होती है। अगर आपका एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू होता है, तो उसके बाद जो है RPO खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके घर पे लेटर भेजेगा कि एक्चुअल में ये रीज़न है और उसका सॉल्यूशन ये है। एक्सेप्ट मार्कशीट, क्योंकि मार्कशीट का ये वेरीफाई करने का उनका पूरा उनका काम है, ये उनके डिपार्टमेंट का काम है। तो ऐसे में एप्लीकेंट को अपने एंड से कुछ नहीं करना होता है, उसको केवल वेट करना होता है कि जब तक उसका बोर्ड ऑफिस जो है उसके मार्कशीट को अटेस्टेड करके ना भेजे। हाँ, अगर आपकी थोड़ी सी पहुँच है, जान पहचान है, तो आप अपने बोर्ड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो है फलाने RPO से मेरा मार्कशीट आया है, आप इसको काइंडली जल्दी कर दें, ठीक है। अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी नेचुरली जो है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बीच में उनको करना होता है। उसके बाद दोस्तों आप हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप अपना करेंट और परमानेंट एड्रेस दे रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल परफेक्ट दें, ठीक है। रेंट वाले एड्रेस को कभी भी परमानेंट में कंसीडर ना करें। हाँ, आप उसको एज अ करेंट एड्रेस यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपको एक अपने परमानेंट एड्रेस का भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करना होगा। सो गाइज ये थे कुछ रीजंस और इसके सॉल्यूशंस की आपका जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू कब तक रहेगा और इसका क्या सोल्यूशन है। पासपोर्ट बनवाने से संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो बेशक आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों अगर आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।